सो गाइस, Vivo T3 Ultra 5G डिवाइस के अंदर आज अपन करने वाले हैं BGMI गेम प्ले टेस्ट। वैसे ये डिवाइस Flipkart पर आने वाली सेल बिग बिलियन डेज के अंदर 29,000 रुपए से नीचे देखने को मिल जाएगा और ये सेल 29 सितंबर से चालू होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट गिव अवे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर किया जाने वाला है और ये गिव अवे पोको X6 Pro 5G का है, जो कि आपको नया दिया जाएगा। मेरे पास इस डिवाइस के 3 पीस अवेलेबल हैं और सब्सक्रिप्शन वाला गिव अवे मैं आगे जाके अनाउंस करूंगा। तो इसके लिए भाई लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। सो गाइस, Vivo T3 Ultra 5G डिवाइस को लेकर मैं सीधे आ गया पोसाइडन बाबा की हवेली की छत पर। वैसे मेरे से पहले बंदे आ गए थे तो मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद इस वीडियो पर आपका बिल्कुल वेलकम है। यहाँ से आगे गन्स वगैरह उठा रहा था, वैसे मेरे पास AKM प्लस पीपी पूपी है। सामने एक बंदा था, बंदा खत्म। तो इस बंदे की बेटी बनाने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर अभी आपको 60fps नजर आ रहा है, लेकिन BGMI पर आने वाले अपडेट 3.4 के अंदर डिवाइस पर 90fps सपोर्ट हो जाएगा। अगर इन फ्यूचर 120fps BGMI के अंदर आता है ना, तो ये डिवाइस 120fps को भी सपोर्ट कर लेगा। इसका मेन रीजन चिपसेट। डिवाइस पर आपको डायमंड सिटी 9200 प्लस का 5G चिपसेट मिलता है, जिसका N22 स्कोर 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के आसपास आता है। वैसे हमारे भाई के पास एक बंदा था जिसने उनको पीठ पीछे पिछवाड़े पर गोली मारा था, बंदा खत्म। यहाँ से आगे रिवाइव बाजी करेंगे हम लोग। वैसे ये डिवाइस अपने साथ LPDDR5X रैम, उसके साथ स्टोरेज 3.1 का सपोर्ट लेकर आता है और इस डिवाइस पर आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसके ऊपर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। यहाँ से आगे सामने एक बंदा है, गजब सीन। बमबाजी करके मैं पीछे, क्योंकि पीछे वाली मीनार से एक बंदा ना इस पे बाजी कर रहा था, गजब सीन। जो बंदा सामने वाले कवर के पीछे था ना, उसके ऊपर कहीं पे भी बम फेंक दिया था, साला उड़ गया। कैसे उड़ा पता नहीं, लेकिन उड़ गया वो। हाल फिलहाल समझती नहीं, ये सामने एक और बंदा है। हमारे भाई मेरे पास आ रहे हैं रिवाइव बाजी करवाने, ये साले दो बार नॉक हो गए यहाँ पर। वैसे मेरे हिसाब किताब से ये सामने वाला बंदा ना यहाँ कहीं पर बैठा पड़ा है। इस बंदे के मुंह पर बम फेंका, बंदा फूटा नहीं। यहाँ से पीछे जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बंदे को पकड़ा था ना, इस बंदे का किल मुझको मिला नहीं, जिसके चलते मैं पीछे आया। तो इस बंदे के पास इसका टीममेट आया हुआ था, बंदा खुद तो पिटा पिटा, साथ ही साथ अपने टीममेट को भी कुटवा दिया उसने। ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। सो गाइस, डिवाइस पर आपको 5,500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 80W का चार्जर आता है डिवाइस के साथ और इस डिवाइस के अंदर जो चिपसेट मिलता है ना आपको डायमंड सिटी 9200 प्लस, ये चिपसेट 120fps की गेमिंग के लिए कैपेबल है। सो BGMI के अंदर 120fps का ऑप्शन है नहीं, 90fps का ऑप्शन है, लेकिन इस टाइम पर 90fps सपोर्ट नहीं कर रहा है डिवाइस, 60fps चिपक कर दे रहा है। गजब सीन। यहाँ पर नीचे एक बंदा बैठा पड़ा था, कैंपिंग कर रहा था, ये बंदा खत्म। तो इस बंदे की बेटी बनाने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई साहब, नीचे एक और बंदा था। वैसे मुझे इस बंदे की आवाज तो आ रही थी, ये सामने नजर आया, बंदे को पकड़ा। यहां से आगे बंदा खत्म। तो इस बंदे की बेटी बनाने के बाद पीछे कहीं से एक बंदा स्प्रेबाजी कर रहा था, इस बंदे की बेटी हमारे भाई ने डाल दी और मुझे बाजू पे सिंगल बंदे का साउंड आया था, बंदा खत्म। वैसे ये डिवाइस पोसाइडन बाबा की हवेली पर 57 से 60 के बीच में FPS को दे रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, अच्छा खासा स्मूथनेस फील हो रही है। डिवाइस का डिस्प्ले 120fps मतलब हर्ट्ज पर काम कर रहा है। वैसे मैं पानी से निकलकर जमीन पे आया था और मुझे पानी पे एक बोट नजर आया था, बोट की बेटी बनाया। बोट की बेटी बनाने के बाद
ये रोजुक की पहाड़ी पर बंदे हैं कुछ। ये नीचे साला एक और बंदा था। मैं यहाँ पर 1 HP हूँ, सुकून के साथ हील अप कर लेता हूँ कहीं पर। रुक के भाई साहब, कहीं रुक जाओ। ये बंदे पीठ पीछे पिछवाड़े पे गोली मारेंगे, पेटी बना देंगे साले। सो डिवाइस के अंदर आपको फ्रेम रेट अच्छा खासा मिल जाता है। डिवाइस पर हीटिंग इश्यू नहीं है, डिवाइस का जायरोस्कोप एकदम बराबर काम कर रहा है। साथ ही साथ डिवाइस का फायर रेट BGMI के अंदर अच्छा खासा है, यहाँ से आगे आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे BGMI खेलते हुए डिवाइस का बैटरी बैकअप मुझको समथिंग 5 घंटे के आसपास मिला था। और गेम प्लेसेस के अंदर मैंने डिवाइस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके रखा था। डिफॉल्ट 60 FPS के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बैटरी बैकअप डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। 5500 mAh की बड़ी बैटरी है इसके कारण। मैं पहुंचा भाई साहब रोजुक की पहाड़ी, सामने एक बंदा था, बंदा पकड़ा। ये साला दूसरा बंदा, इस बंदे की पेटी बनाया। बंदे की पेटी बनाने के बाद नीचे एक और बंदा है, हमारे भाई को उसने लाल कर दिया मार मार के। सो ये सामने वाला स्प्रेबाज नीचे कहीं पर बैठा पड़ा है, और इस बंदे के सर के ऊपर हमारे भाई बहुत देर से मछली घुमा रहे हैं। इस बंदे के ऊपर पानी का गोला छोड़ दिए थे इनने। ये नीचे से आया था, बंदा खत्म। दूसरा बंदा एक और नॉक था यहाँ पर, ना जाने कहाँ पर भाग गया वो। सो गाइस, इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मैं शॉप गया था क्योंकि मेरी वेस्ट डैमेज हो गई थी और इस शॉप के अंदर वेस्ट सोल्ड आउट थी। हाल फिलहाल समस्या नहीं है, मैं नीचे आया था। सामने एक बंदा नजर आया, इस बंदे को पकड़ा। यहाँ से आगे बंदा खत्म। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने एक बंदा भागा था गाड़ी लेकर, ये पीछे वाले घर पर आ गया। नीचे एक और बंदा था, ये साला घर के अंदर आ चुका है। और जो बंदा गाड़ी लेकर आया था ना, मेरे हिसाब किताब से वो बंदा बाजू वाले नीचे वाले छोटे वाले घर के पीछे है। गजब सीन, ये साला बमबाजी कर रहा था। बंदा पकड़ा, इस बंदे को पकड़ने के बाद नीचे वाले बंदे ने मेरे ऊपर चिमनी चुमनी फेंका हुआ था, मैं डैमेज हुआ उससे। यहां से आगे जाता हूँ पीछे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बंदा सामने कहीं पर है। ये सामने वाले छोटे वाले घर के अंदर बैठा पड़ा है। यहां से आगे बंदे के ऊपर बमबाजी करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बंदा अपने टीममेट के पास आ गया रिवाइव बाजी करने। मेरे हिसाब किताब से ये बंदे ना सीढ़ियों के आसपास ही बैठे होंगे। यहां से आगे यहां पर चिमनी फेंका, यहां पे एक और फेंका। वैसे ये बंदे हमारे भाई के अनुसार सबसे नीचे हैं। मैंने जैसा बताया था ये बंदे सीढ़ियों के आसपास ही बैठे हुए थे, कहां नीचे थे पता नहीं। तो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद सुकून के साथ बंदों की पेटी लूटा। उसके बाद मैं शॉप के आसपास जाने का प्रयास करने वाला था, यहां से आगे भाई साहब पेटी लूट रहा था, हमारे भाई सामने खड़े होके ना जाने क्या कर रहे थे वो। ये नीचे आ गए थे, ये वापस ऊपर गए। यहां से आगे मछलीबाजी का जब फील, ये सामने स्क्वाड हाउस के पास एक बंदा था जिसने हमारे भाई को पकड़ा। यहाँ पर उनके पास ऑटो वाली रिवाइव किट है, यहां से आगे रिवाइव बाजी करेंगे हम लोग। सामने फेंका बम, और ये बम गजब से बंदे के पास गया नहीं था। यहां से आगे भाई साहब हीलिंग कर लो, सामने जाते हैं इस बंदे की पेटी बनाने के वास्ते। यहां से आगे जाते हैं सामने वाले बंदे की पेटी बनाने। वैसे ये बंदा ना जाने कहां पर मछली वाला बम फेंक रहा था। ये बंदा नॉक फिनिश। सो गाइस, लगभग आधा मैच खत्म हो चुका है। मुझे इस डिवाइस के अंदर कहीं पर भी रेंडर महसूस नहीं हुआ, और ना ही डिवाइस ने कहीं पर भी सिंगल जगह पे फ्रेम ड्रॉप किया था। तो मैं पहुंचा अपार्टमेंट। गजब सीन, ये साला बंदा ना जाने कौन सी गोली मार रहा था, मेरे को 1 HP कर दिया था इसने। यहां से आगे हीलिंग कर रहा था। गजब सीन, किसी बंदे ने हमारे भाई की पेटी बनाया यहाँ पर। मैं नीचे आया, वैसे ये बंदे छत पे आ चुके हैं। यहां से आगे बंदों के ऊपर बमबाजी करने का प्रयास करता हूँ। यहां से बम खींच के ऊपर जाऊंगा, मतलब सीढ़ियों के आसपास। यहां से बम फेंका, बंदा फूटा नहीं,
यहाँ से आगे एक और बार बम्बाजी, यहाँ पे वैसे बंदा ब्लास्ट, ये साला दूसरा बंदा 1 HP बचा है बस, और यहाँ पर मैं भी भाई साहब 2 से 3 HP बचा था। मैं नीचे आया, सबसे पहले हेल्थ को रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर जाऊंगा बंदे की पेटी बनाने। यहां से आगे नीचे, यहां से ऊपर जाता हूँ उड़ता पानी का गोला बनाकर। मैं पहुंचा बंदों के पास, नीचे एक बंदा है, इसको उसने रिवाइव नहीं दिया क्या? अरे गजब सीन, सामने वाले बंदे ने भाई साहब P90 को काट दिया UMP-45 से, गजब सीन। वैसे भाई लोग Vivo T3 Ultra 5G BGMI के अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ये डिवाइस भाई साहब। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको बिग बिलियन डेज वाले सेल पर 28,999 रुपये, मतलब 29,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस पर आपको 90 FPS का ऑप्शन, BGMI के आने वाले अपडेट 3.4 के अंदर देखने को मिल जाएगा।